वेलकम बैक टू द चैनल। और जो गाना सबसे हिट वाला गाना था काही काहिला, ये गाना जो है फाइनली इसका एल्बम जो है आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन कृतय पिंकू बस आपके बदौलत एक्चुअली ये गाना निकल रहा है। और सो गाइस, थोड़ा सा इसका टीजर जो है इसको आप देखिए, उसके बाद में कल जो है इसका फाइनल रिलीज होने वाला है। एक्चुअली इन्विटेशन कार्ड मुझे भी दिया था, लेकिन मैं जो नहीं आ पाऊँगा क्योंकि ईटानगर बासर से बहुत दूर है यार। सो एज वीडियो आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले हम लोग टीजर को एंजॉय करते हैं। पद पबो गद आची अब मंगलला सोकु सोक सिंक बिग सिंक बिग ओदन बागे हम गलिक जीर नो तो ले क्रम नो तो ले क्रम नो तो ले क्रम। सो गाइस, आज ना हम ना शाहरुख खान को मिलने जा रहे हैं। शाहरुख खान तो हमारा यहाँ का फेमस सिंगर शाहरुख खान फ्रॉम पागल विलेज, उनको मिलने जा रहे हैं। तो कल भी कॉल किया था, आज भी कॉल किया है उसका केटी पर आने के लिए। गाइस देखो यार, इसका ना तेल भी सिर्फ एक स्थिति है, पागल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। गरीब हो गया, बहुत ही ज्यादा गरीब हो गया यार। सो गाइस, पागल पर मिलते हैं। इतना खराब रास्तों के साथ में हम आज निकले हैं पागल की ओर शाहरुख खान को मिलने के लिए। हमारा लोकल शाहरुख खान ओ गोरी तेरे प्यार में मुर्गा मत बनो रे, ये वाला ना। सो गाइस, बोला जाए तो ये जो आप ये जो पुखरी देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारा मछली है। मीट माय कत शाहरुख खान प्रभु याद हो लग, ये देखो भाई। वाओ, न्योरो मान एक नहीं कहीं नहीं रद रहे बहुत मेहनत वाला चीज है एक्चुअली, और बहुत आदमी यहाँ से चोरी करता है। ओके, लेट्स चेक, यहाँ पर सीसी कैमरा डाल दिया है। एक्चुअली किसी का मेहनत को ऐसे चोरी नहीं करना चाहिए, बहुत मेहनत से बना है ये। दियो आने का दूना रंग कहते हैं, फिफ्टी किलो इसमें तो लाखों मछली है। ही पूरा ही पे एक नहीं मछली है इसका अंदर, अभी लाखों इसको इधर भी देगा उधर पूरा देगा, ये सब नदी का में पूरा देगा। तो पुक का नाम मेरे पुक तो बहुत बिक्री किया है, वो चोरी भी हुआ है इसलिए वो उधर सीसीटीवी कैमरा डाल दिया, घर से ऑपरेट करेगा। अभी पकड़ेगा तो 3 साल से जो चोरी किया उसका ही हिसाब हम वसूल करेगा। और जितना उन फार्मर से कादू डी ले पा फार्मर जितना है, वो लोग कोई भी बोलता है कि इसको नहीं छोड़ना है, वो चोरेगा नहीं। अभी हम लोग डीसी को थोड़ा अपील करेगा, एक हम एक एप्लीकेशन देगा कि ये फार्म का अंदर में आके चोरी करने से कितना फाइन होना चाहिए। फाइन करीबन $1 का इम्पोज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उन लोगों मछली का बच्चा खरीदता है, बहुत मेहनत करता है, दाना खरीदता है, दाना को भी अप डाउन होते रहता है। कभी 80 रुपीज में आता है, कभी 100 रुपीज बोलता है, तो इसलिए दाना में खर्चा होता है, उसका मेहनत बहुत ज़्यादा है। मछली का बच्चा तो नीचे से इथनेट में आता है, तो हम तो यहाँ में अभी इधर स्टॉक करके रख दिया आपका, इधर में 5 क्विंटल है, वो फार्मर्स लोग के सिर्फ फार्मर्स के लिए, वो बिजनेस ये बिजनेस नहीं है, सिर्फ फार्मर्स को देने के लिए हमें 5 क्विंटल आपके इसमें मिर्गल है, ग्रास कार्प है, रोहू है, और उसके बाद कॉमन कार्प है, ये यही जात जो हम लोग का यहाँ में अच्छा होता है। और इसमें तो पंपलेट भी है, पंपलेट एक मेरा टिंगरी है ना, मार्केट में माच दो मोनो, ये सब मछली बहुत अच्छा होता है। आपका सबसे ज़्यादा मछली अच्छा है यहाँ में रोहू, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, इतना बढ़िया होता है। गुरु गया पहाड़ में अरुणाचल में,
पेडिकम तो ये सबको पूरा इसको पेडिकम पेडिकम मतलब यम्ब भरे पेडिकम मतलब आप अभी इसको उधर मछली डालेगा दान डालेगा उसको मछली डालेगा उसमें दान का अंदर में मछली रहेगा इसको दाना देने का जरूरत नहीं है मोन पूरा सफा उपाम जो खुद करता है मलिक अंदर जाने का जरूरत नहीं मछली सफा कर देता है मतलब उजी बनाना जरूरी नहीं है उजी बनाना जरूरी नहीं है उसको सिर्फ किनार को काटना है तो उसमें आपका एक का दो हो जाता है इसलिए गोले पर आधा होकर नरवुज में दू ये काम करना चाहिए आपका दान भी मिलेगा मछली भी मिलेगा तो आपका मेहनत को भी ओलू फिर आपको साथ देता है तो उसमें सिर्फ किनार का पे भी हम फमुम पे लगे बाकी कुछ नहीं इसमें अच्छा नो होक्सिन अकेले लगता रहना रे अमलक लगता रहना ही अमलक कुमार इसको और इसको अलग से ये इधर ग्रास कार्प रोहू वो सब इधर डालेगा इधर कॉमन कार्प मिर्गल और उसमें पूरा दान डालेगा इस एरिया में पूरा दान का साथ में मछली वो भी रोहू कॉमन कार्प सिर्फ डालना है ग्रास कार्प नहीं डालना है ग्रास कार्प डालेगा दान को पूरा खत्म कर देता है ग्रास कार्प गलती से भी ग्रास कार्प नहीं डालना है वो ग्रास कार्प नहीं डालता है तो उसमें नौके कॉमन कार्प और ये बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है लेकिन नॉर्मला चिन ये अली एम फेब में थोड़ा बड़ा बना देना पड़ेगा एम आर एम वो लोग मिट्टी भी काता है और ऊपर से जंप भी करता है तो बारिश बारिश जून जुलाई में वो जंप होते जून जुलाई अगस्त में लोग जंपिंग करता है उसको भी हमेशा ध्यान देना है और लास्ट नीचे में बहुत बड़ा वाला हम जैसे बनाया वैसे बना देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से कोई जंप करके अचानक उधर चला गया उधर स्टॉक हो जाएगा बाहर नहीं जा पाएगा उसको ऐसा कर कर रख देना चाहिए वही बात दिखाता है अभी दाना देगा तो आ जाओ हम दिखाता है सो गाइस सुन लिया मैंने कितना मेहनत की कितनो की ये साल है कुरम मोमिन जी माला 3 इयर्स हुआ है और 3 इयर्स काम किया मेरा 3 इयर्स फर्स्ट में तोरा डाला था इधर सेकंड में गवर्नमेंट हमको साथ दिया डिपार्टमेंट ये जुमली कारगा पिसारी डिस्ट्रिक्ट पिसारी ऑफिसर वो बहुत अच्छा साथ दिया आने वाला अभी 11 साल में बहुत अच्छा साथ दिया उसके बाद इस साल वो सोचा कि हम खुद ज़्यादा करने से अच्छा है गवर्नमेंट भी एक दो बार ही हेल्प करेगा तो गवर्नमेंट तो सिर्फ आपको ऐसा करना है बोलकर दिखाता है गवर्नमेंट को या किसी को डिपेंड करके रहने से नहीं होगा खुद मेहनत करना पड़ेगा तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा आत्मनिर्भर नहीं मेन है आत्मनिर्भर होना पड़ेगा तब मैंने गवर्नमेंट अवार्ड भी दिया डिपार्टमेंट तरफ से काम इसमें उसके बाद कॉम्बिनेशन सर्टिफिकेट दिया 23 जनवरी में डी सी बसर तो कॉम्बिनेशन सर्टिफिकेट दिया है गवर्नमेंट का अरुणाचल गवर्नमेंट तरफ से एक लोग काम कैसे ले नहीं जीतु को हाँ वो लोग खुद देखा होगा हम तो दो बोल के क्यों बोलेगा ना वो खुद देखा होगा खुद सब चीज़ को देख करके ऐसा करना चाहिए बोल के दिया है सर्टिफिकेट तो भरा है पैसा तो कोई भी कमा लेगा कभी भी कमा लेगा लेकिन वो सब सर्टिफिकेट मिलना सरकार से अवार्ड मिलना ये बहुत बड़ा बात होता है तो ये अच्छा, करने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा अच्छा नोम ही विनम लगा बनो के कितना जैसा खर्चा चला गया 3 इयर्स के अंदर में 3 इयर्स के अंदर में शुरू में इतना नहीं गया है बाद में बहुत चला गया ना उसके बाद इस बार तो बहुत जा रहा है क्योंकि हम ह्यूज में करेगा बहुत पूरा खेती को ज़्यादा करेगा इसलिए इसमें तो बहुत जाएगा इसमें तो आपका अभी भी मछली इधर में 4 लाख का मछली है इसका अंदर में 800 रुपीज वहाँ से दे के आता है दाना हम देता है सिर्फ फार्मर्स के लिए जो पीस फार्मिंग है फार्मर्स लोग के लिए 800 में ही देगा यहाँ से 800 में वो लोग उतारना है और जो उतारना नहीं चाहता है वो तो हम नहीं बोलेगा जो उतारना चाहते हैं तो उतार लो लेकिन मेरा पास ऑक्सीजन नहीं है गैस नहीं है खुद बर्तन में कोई सफा वाला बर्तन जैसे नो दारू सारू रखने वाला बर्तन में नहीं है उस बर्तन में लिमिट से ले जाना है कितना किलो में क्या होना चाहिए ना सफोकेट नहीं होना है तो ऐसा करके आराम से ले जा सकते हैं आराम से डाल सकते हैं अपना एक एक लो नहीं पुकरी लो नहीं और इसको अपना पुकरी में डाल सकते हैं और ये डंपिंग जो पहले नहीं करने से मछली मर जाता है वहाँ से डायरेक्ट ट्रक में लेकर आता है टाटा मोबाइल में तो वहाँ में हिला दुला के मछली मर जाता है पहले डंपिंग करने से डंपिंग में बहुत मर जाते हैं उसको हटा के जो बचता है उसको अपना यहाँ में देना पड़ता है वो यहाँ में हमारा कोई फायदा नहीं है जहाँ भी बोलो कोई लोग तो इधर मछली ले आकर कितना कितना बेचता है पता नहीं है लेकिन हम हमारा ये बिजनेस नहीं है हम सिर्फ फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए गांव के लोग नहीं खरीद सकते नहीं ऐसे कि क्योंकि लपा रहा था तो काम तो नहीं नहीं दोनों नहीं है नहीं खरीद सकते ना वो या करना चाहता है लेकिन 1200 1500 1000 बोलेगा तो कहाँ से खरीद सकेगा इसके लिए वो लोग खरीद भी नहीं सकते और इतना आइडिया भी नहीं होता है डंपिंग कैसा होता है मछली को किस तरह बचाना है जानता भी नहीं है ना तो हम तो पवई ग्रीन्स में जाकर ट्रेनिंग भी किया ब्रीडिंग किया लेपारादा का फर्स्ट ब्रीडिंग करने वाला हम लोग उसका भी हमको अवार्ड मिला है तो पेकिन बसर हम दोनों किया था तो उसमें हम दोनों फर्स्ट ब्रीडिंग करने वाला कंट्रोल इलाज भी फर्स्ट ब्रीडिंग पेकिन बसर हम दोनों उसके और बेगे बसर उन 3 आदमी जाकर पवई ग्रीन्स में ट्रेनिंग किया था उस समय गोखर बसर MLA हम लोग को गाड़ी भाड़ा दिया 30,000 तो वो 30,000 हम लोग
ब्रीदिंग को हम लोग उधर ट्रेनिंग किया, इधर आकर हम लोग ब्रीदिंग करना शुरू हो गया. शुरू हो गया तो फर्स्ट टाइम लफा रहा था, फर्स्ट आदमी है हम, लेकिन भेगे तो हम लोग का उस साथ में नहीं था. ट्रेनिंग वो जरूर किया है तो फर्स्ट ब्रीदर सेकेंड बसर हम दोनों, फर्स्ट मच्छी का बच्चा ब्रीदिंग करने वाला. तो इसलिए वो इधर में बहुत कोशिश किया था कि मच्छी बड़ा होना है, दो साल तीन साल होना पड़ेगा तब ब्रीदिंग में अच्छा होता है. तो आदमी लोग चोरी कर देता है, बड़ा होने नहीं देता, इसलिए हम इधर में सीसीटीवी कैमरा सब तैनात करके रख दिया. अभी हम लोग भी सीसीटीवी का अंदर में है. तो उसके बाद इसलिए गिरफ्तार से बड़ा वाला उस दिन चोरी हो गया. तो उसके बाद हम कैमरा डाल दिया. बुन वो लोग बड़े चौदह को पसी जल डालता है. अगर ये दो साल तीन साल होगा तब हम लोग ब्रीदिंग कर सकेगा, दूसरा का पीस पॉइंट से तो नहीं ले सकते ना, और कितना लेगा. इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चोरी करने वाला आदमी लोग बहुत गलत कर देते हैं. क्यों नहीं हो तो करे इधर को माँ वो करे इधर को आता है, कैसे मालूम होगा कहाँ से कहीं से भी घुस जाता है चोरी करने वाला, तो कहीं से घुस ही जाता है. जो चोरी कर रहे हैं उनको हमारे तरफ से भी रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत करने वाला को क्यों आप लोग चोरी कर देते हैं यार. बहुत मेहनत है यार इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर ना एक्चुअली अच्छा चीज ये है कि यहाँ पर दान भी लगेगा और नीचे में मछली मतलब वो ग्रास को खा देगा, तो ईजी बनाना जरूरी नहीं है. ये एकदम आम तरह को और ये सब काटना जरूरी नहीं है. अभी उंगा कुछ देखो भाई फिंगरलिंग फार्मर्स लोग आके ले सकते हैं. ये फार्मर्स लोग के लिए, सिर्फ फार्मर्स जो गांव में रहता है वो फार्मर्स के लिए हम ले कर नालिक का तो काका दे ये उंगा मुन दम दे ओपला. देखो ये फिंगरलिंग छोटा छोटा मछली, कोई भी फार्मर्स आके ले सकते हैं यहाँ से. एकदम दो किलो किलो जितना रहे किलो में यदि एट हंड्रेड किलो ही नौका यद किलो दाग दे इसमें, यहाँ में नौका 500 किलो है. अपला पांच सौ ऊपर का जोड़ना से तो बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है 500 से ज़्यादा. अपला ये कॉमन कार्प है, इसको ये पेडिकम में डालेगा. ये कॉमन कार्प अलग से रखा है, इससे पेडिकम के लिए वो दान का अंदर में ये मछली पूरा जाएगा. इसको अलग से रखा है इसलिए. सो गाइस देख रहे हैं इतना सारा मछली मिर्गल, आपका ग्रास कार्प मिर्गल आपका ये उसमें बहुत मिक्स है, तो उसमें वो लोग पुकड़ी में जाएगा. ये दोनों में ये दाम है किलो दोनों में, इसमें इसको तो बोलता है कभी 800 बोलता है, 80 बोलता है, कभी 100 बोलता है किलो नहीं ये किलो. और इसके बाद ये तो 70 है, ये 70 रुपीस एक किलो का. लो इस ये दाना में हम लोग का ज़्यादा खर्चा होता है, दाना में बहुत खर्चा होता है. अरे कोना गरीब नहीं, अरे कोना मेहनत करना पड़ेगा, नो पूरा आत्मनिर्भर होना पड़ेगा तब जाकर ये कर सकेगा. सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करने के लिए. मैं भी पैक के देखता हूँ 70 रुपीस. आलो में कितने किलो गिनता है? आलो में से आपका 5 किलो चार, इतना ज्यादा होने से तो 5 किलो. अब्बा 5 किलो होने से तो 500 रुपया का डायरेक्ट दिन कोई कार है ना, वो लोग कार है. अभी इतना मछली हम घुसा कर रख दिया. सो गाइस चेक करें यार, बहुत सारा मछली है, जितना परमा से आके ले सकते हैं. दुकान में ना चिल्ला ला रहे थे ना, दुकान में लगा लूनी नहीं, लूनी नहीं अभी सीजन नहीं है. नवंबर नवंबर ही इसमें आप खरीद सकते हैं इसको. हम एंगलिंग एकरे नमी वो हम कर देगा, कोई एंजॉय कर सकते हैं इसमें, एंजॉय कर सकते हैं. नवंबर फेब वो दूला चले रही है. अर जो मेज पे लात ना, हम अर जो नहीं, आपका पीस के हिसाब से होगा, वो पीस होगा कितना का, वो कितना पीस ले रहा है. आपका चाय होगा सब कुछ होगा, चाय पीना है एंजॉय करना है. आपका ये 50 और 80 ऐसे हो जाएगा, मतलब ग्राम हो जाएगा. ये तो अभी छोटा छोटा है, तो बहुत छोटा है अभी, बहुत छोटा भी बोल के नहीं है, टिकी इसमें पूरा मिला के 1 2 3 इसमें 4 इसके अंदर में 5 क्विंटल मछली अंदर में. लाखों मछली इसके अंदर में. तो गाइस इसके अंदर में लाखों का मछली है, बहुत ही मेहनती है मेरा सरुख मामा जो है. और अभी हम छोटा छोटा मछली को भी देखने वाले हैं.
2 इयर्स हो गया बोला है इसका मेहनत जो है अभी रंग ला रहे हैं। तो एक ही बार में तो मेहनत नहीं आता है, मेहनत धीरे धीरे करके उसका रिजल्ट जो है दिखा जाता है। आप फिशिंग इंजॉय कर सकते हैं अगस्त महीना से, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा क्योंकि आप यहाँ पर आके यहाँ पर बैठ के फिशिंग इंजॉय करना है, इसके बाद में सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, बैठना है और नदी पर जाके जो इंजॉयमेंट नहीं मिलते यहाँ पर आप आर्टिफिशियली कर सकते हैं मज़ा। ये चेक करेगा चौथा चौथा बहुत यहाँ में बहुत साफ भी है बोलते हैं। यो तब बेला तक नहीं। वो नाम तक रहे मछली भूख लग रहा है इसलिए खाने दे रहे उसको। तो यहाँ पर एक चाय बागान है, इसको भी आप बढ़िया से देख सकते हैं, ये सब कमरे बागान और साथ में मेंढक भी है, देखने के लिए मिल जाएगा मेंढक भी। बाहर से खरीदने से तो अच्छा नुकलो ग्लोबल हुई और भी अच्छा है, बाहर में खरीदने से भी उतना ही रहते हैं जितना रहता हम दे रहे हैं। तो क्योंकि नहीं बाहर का तो क्या क्या मेडिसिन डाल के भी आता होगा, वो ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें इंजेक्ट करके आता है, ये भी पब्लिक जानना बहुत जरूरी है। वो तो इंजेक्ट करके आता है ना, इंजेक्ट करके नहीं सरने का नहीं सरने वाला, वो इंजेक्ट करके आता है, उसको आदमी दिखाई नहीं देता लेकिन खाने से उसके लिए प्रॉब्लम होता है, हेल्थ के लिए खराब है। इधर में आप जो भी हो इधर में ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक, यहाँ में कुछ चीज मेडिसिन से कुछ नहीं है और आप ताज़ा ताज़ा जिंदा जिंदा आप लेके खा सकते हैं। और पानी भी बहुत साफ है, पानी एकदम फ्रेश है, पानी तो इधर से भी आता है उधर अपने से भी निकलता है। ये वो पानी जो है मिट्टी का अंदर से निकलने वाला पानी एकदम ऑर्गेनिक है। आप लोग यही है मतलब आप हमारा जो यहाँ पर जो एकदम मेहनत कर रहे बेच रहे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंकरेज करना चाहिए ताकि जो परमर्स लोग है और मोटिवेट होके और इंकरेजिंग होके काम कर सके। आप लोग बाहर का लेके खाते हैं आपका बदन के लिए ठीक नहीं होता है, आपका शरीर के लिए ठीक नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन वहाँ पर इंजेक्ट करके लेके आते हैं नहीं सरने के लिए। और यहाँ का देखो तो प्रेस 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 बस पब्लिक लोग आपका ये जो है इसको रुकेगा, चिंता मत कीजिए। जनवरी नैन रमला भी रही जनवरी अगस्त सितंबर अक्टूबर सितंबर से आप ऐसे एंकलिंग बर्छी मार के फिशिंग वशिंग कर सकता है, जाल मारने का तो इजाजत नहीं होगा, जाल तो जाल पसी जाल नहीं होगा, सिर्फ आप ऐसे बर्छी मार के जाल पसी जाल तो ये चौथा सा नदी इसमें तो एक ही बार में खत्म कर देगा, नहीं वो तो नहीं होगा। आप सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं आके इधर बैठ सकता है, उधर हम घर बना देगा, अभी लकड़ी कुरी रेडी है घर बना, उधर जाके आप आराम से बैठ सकता है। सो गाइस आयो का नाकुम में आए तो हम लोग आयो का हाथ से चाय भी पी के जाते हैं। खेती में ना जो भी मिलता है वो खाने का कुछ अलग ही मजा होता है। पता भाई ट्रिप में ये नहीं पीगा बोलते तो हम तो पिएगा। पद पबो का दिन